गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ इज टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हियर द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल the credit side of the items of credit sides will be explained first by increased value of assets। जब भी किसी एसेट में इंक्रीज होता है, उसके वैल्यू में इंक्रीज होता है, तो हम उस इंक्रीज वैल्यू को हम क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज दैट ए प्लांट 1 लाख की वैल्यू है और इसकी रिवाइज वैल्यू अगर इसकी 1,20,000 हो जाती है तो द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू इज 20,000। This 20,000 will be recorded in the credit side of revaluation account by plant, by name of assets। जो डिफरेंस होता है, जो इंक्रीज होता है वैल्यू, उसी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। उसी के अपोजिट अगर किसी वैल्यू, किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होती है, मीन्स टू से अगर रिवाइज वैल्यू 80,000 हो जाए, अगर रिवाइज वैल्यू 80,000 हो जाए तो द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी किसी एसेट में अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो अगर उसकी डिक्रीज वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, न कि एक्चुअल वैल्यू, दिस रिवाइज वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट और क्रेडिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। Only the difference between revised value and book value will be recorded either credit side or debit side in the revaluation account। Second thing, decreased value of liability। अगर कोई liability like creditors, bills payable, outstanding expenses, etc., अगर उनकी value अगर decrease होती है तो फर्म के लिए बेनिफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट की तरह से देखा जाएगा, इसलिए उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सपोज दैट क्रेडिटर्स की वैल्यू दी गई है 50,000, अगर इसकी वैल्यू घट के अगर 40,000 हो जाती है, उस केस में 10,000 realize as a profit, then the 10,000, the difference between the revised value of liability of creditors and the book value of the creditors will be 10,000. This 10,000 will be recorded in the credit side of the revaluation account। जब भी किसी liability में अगर decrease होता है तो जितना decrease होता है उस liability में उस value को हम record करते हैं। नेक्स्ट, बाय डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब भी डेब्टर्स के लिए कोई प्रोविजन किया जाता है या पहले से प्रोविजन दिया गया हो, अगर पहले से बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन दिया गया हो, उस प्रोविजन की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो उसको हम डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइप करेंगे। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको जितना डिक्रीज हो रहा है वैल्यू उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि पहले बैलेंस शीट में ना रिकॉर्ड हो, वो बाद के एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर दिया गया हो तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट को हम क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही
अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो कि बैलेंस शीट में दिया ना गया हो, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो, तो उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को आप रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, सपोज दैट क्रेडिटर्स 50,000 है, यहाँ पे 60,000 हो जाए, क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी 10,000 से इंक्रीज कर रही है, तो उस 10,000 को हम डेबिट साइड में रिवेल्यूशन अकाउंट के रिकॉर्ड करेंगे। अब सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद से या तो बैलेंस डेबिट साइड में होगा या फिर बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। इस केस में अगर डेबिट साइड शोज बैलेंस, देन दिस बैलेंस शोज प्रॉफिट, देन दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड थिंग, इफ द क्रेडिट साइड शोज बैलेंस, देन दिस बैलेंस शोज लॉस, सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। बोथ कंडीशन में बी प्रिपरेशन ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट, रिवेल्यूशन अकाउंट में शो प्रॉफिट इन डेबिट साइड और रिवेल्यूशन अकाउंट में शो लॉस इन क्रेडिट साइड ऑफ द रिवेल्यूशन अकाउंट, देन वी प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ related to balance sheet of the firm before reconstitution. After that, we discuss about a question in which we prepare revelation account in the next video.